ऑपरेट नहीं हो रहे हो। चलो जी चालू करेंगे। सी यश, तुम्हारा पहला लेक्चर कौन सा होता है, कितने बजे होता है? आज सर की तबीयत खराब है ना आई गेस। ये वाला स्क्रीन बंद है कर, हो रहा। बड़े बड़े लेक्चर में छोटी छोटी दिक्कत आती रहती है। और फिर केस का होता है मेरा, और फिर मेरे बाद लॉ, और लॉ के बाद मैथ्स नहीं चालू हुआ अभी तक तुम्हारा। ओके, वो अभी चालू होगा, टाइम है वैसे, 1 तारीख से होगा। क्या चीज़? एक्सेल बनाया? हाउ मेनी पीपल डू इट? किसी ने लाया भी है? वो एक जन लाने वाला था ना, कौन था वो? लाया है ना, तू ही बनाने वाला था क्या? ठीक है, एक बार है ना लेक्चर होने के बाद बताना, अपन सबको एक बार बताएंगे क्या पॉसिबिलिटी है उसमें। ठीक है। अच्छा, कल जा करके कुछ पढ़ा? जीवन में नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। हाँ, कल बराबर तुम्हारे को नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन समझाऊंगा ना, कल बराबर बुक निकल के पढ़ाऊंगा। नहीं यार, आज अभी नहीं पढ़ा तो लग जाएगी। कल किस बात की छुट्टी है? हाँ तो संडे को क्या लफड़ा है तुम्हारा? आधा दिवस पढ़ने का है संडे में, वो क्लास का टाइम है पागल। कल क्या क्यों छुट्टी चाहिए तुम्हारे को यार? कोई जरूरत है तुम्हारे को छुट्टी की कल? नहीं ना। हाँ क्या? हाँ, क्या करोगे सर? बारिश का मौसम है, कहीं घूमने जाएंगे। देखो कहीं पे भी जाओ, झरने वरने के पास मत जाओ। यस, चलो स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, गुड आफ्टरनून। हाँ तो देखो, बारिश वारिश का मौसम है, कहीं घूमने मत जाओ, स्पेशली यू नो पहाड़ों में तो बिल्कुल ही मत जाओ, झरने वरने के पास पास बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि परसों भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ एज अ ट्रैवल व्लॉगर एज वेल अवनी कामदार अनवी कामदार, वो लेते वीडियो लेते लेते शी स्क्रम्बल टू इंजरीज और द लाइफ एंड्स। तो ऐसा कुछ भी मत करो, बिकॉज़ लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। कर भी रहे हो तो ऐसी कोई डरावनी जगह मत जाओ ना, जहाँ से ऐसा कुछ करने का है ना, वीडियो दिखाने के चक्कर में या वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी लॉस कर देना लाइफ को, नहीं करना चाहिए। चलिए, इस महान बातों के साथ हम चालू करते हैं हमारा सिलेबस, राइट? चलिए, अगर आपको याद हो तो 5 चैप्टर थे इसे। यस, राइट। इसमें हम लोग सबसे पहले चालू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग आधा चैप्टर जनरली पूरा पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर कितने यूनिट्स में डिवाइडेड है सर? 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। जितने लोग वहाँ का स्क्रीन चालू हो रहा है, जब तक आप यहाँ देख लीजिए। वैसे भी हमारे को सिर्फ अभी देखना है, हाईलाइट तो कुछ करना नहीं है। तो जैसे ही मंडे के दिन मे बी परसों आपका बुक आ जाता है, देन विल हाईलाइट। अभी मेरी बात समझिएगा सर, सबसे पहला है नेचर एंड कॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें 2 यूनिट है। कितने यूनिट है मालिक? 2। देखो, पहला यूनिट जो है ये आपको बताता है ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। फिर वो जितना अपन ने पढ़ा था ना, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, वो सारी चीज़ यूनिट नंबर 1 में है। और यूनिट नंबर 2 क्या है? यूनिट नंबर 2 में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। याद करके देखो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कितने प्रकार के थे? 3, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड। तो उसी को डिटेल के अंदर में यूनिट 2 में डाला है। यानी मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखा जाए, हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त इसका ओवरव्यू हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक टू डू फो, यस और नो? कल मैंने आपको बोला था कि इंस्टीट्यूट के टॉपिक वाइज वेटेज, वो आपने देखा कि नहीं देखा, राइट? तो टॉपिक वाइज वेटेज के अंदर में भी इसको 5% कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि पहले जहाँ पे इस पे मार्क्स आते थे 8 से 10, अब मुझे ऐसा लगता है कि इसको 5 से 7 मार्क पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 1 को, जो बहुत ईजी भी है। यस, सो लेट्स गो विथ द इकोनॉमिक। वट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स अबाउट? सो इकोनॉमिक वर्ड इज डराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑइकोनॉमिया, राइट? इकोनॉमिक अराइज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक के लोगों के 2 काम थे, दूसरा था वर्ड बनाना। अरे मतलब पहले ऐसे लोग भी बनाने पड़ेंगे ना जो वर्ड बनाए,
तो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम वर्ड्स जो आपको मिलते हैं ना, ये ग्रीक से ही मिलते हैं. सो ग्रीक वर्ड ऑइकोनॉमिया विच मीन्स द लॉ ऑफ हाउसहोल्ड. अब इसे लॉ ऑफ हाउसहोल्ड क्यों बोला जाता है, इसके पीछे बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, समझिएगा. पहले जो इकोनॉमिक्स यूज होता था ना, वो सिर्फ एक हाउसहोल्ड के लिए यूज होता था, अज्यूमिंग दैट कि मान लीजिए अगर मेरा इनकम 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये को मैं कैसे मैनेज करूँ कि मैं मेरा होल मंथ कंप्लीट कर सकूँ, मेरी जितनी डिजायर्ड वांट्स है मैं उसको कंप्लीट कर सकूँ, फर्दर कुछ अमाउंट में सेव भी कर सकूँ फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज या फ्यूचर एक्वायरिंग द एसेट्स के लिए. तो पहले जो इकोनॉमिक्स देखा जाता था वो किसी एक व्यक्ति के लिए देखा जाता था, और उसके फंड मैनेजमेंट्स को देख करके हम लोग इकोनॉमिक्स की बात किया करते थे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज हुआ, और जब एडम स्मिथ आए, उन्होंने इसे नेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर लेकर चला गया. यस और नो, राइट? सो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसीलिए जब से इसका नाम पड़ा था ऑइकोनॉमिया, विच मीन्स द लॉ ऑफ हाउसहोल्ड मैनेजमेंट. तो एक हाउसहोल्ड मैनेजमेंट के लिए जितनी चीजें लगती है वो सारी चीजें इसके अंदर में आती थी, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहा करते थे. विच मीन्स दैट हाउसहोल्ड मैनेजमेंट टिल 19th century, चलो बोलो, टिल 19th century इकोनॉमी वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. सो टिल 19th century द इकोनॉमी वॉज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी. फिर हमारे आए थे एडम हाउस स्मिथ, याद आ रहा है क्या तुम्हारे को? ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद आ रहा है? इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन, याद आ रहा है? इन द ईयर 1776, विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क इन इकोनॉमिक्स. यस, सो टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वॉज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी. इन 1776 एडम स्मिथ पब्लिश्ड हिज बुक एंटाइटल्ड एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स. यस, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स. डोंट यू थिंक हमने ये पढ़ा सा है? यस, एवरीवन रिपीट आफ्टर मी, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर स्केर्ड. यस और नो, राइट? तो क्या इकोनॉमिक्स आपके स्केर्ड रिसोर्सेज के फुलफिल कर देगा, या उसको सही मायने में समझने में हेल्प करेगा? वेरी गुड. सो एवरी इंडिविजुअल, तो आखिर ये स्केर्ड रिसोर्सेज का प्रॉब्लम किस किस को है? द स्केर्ड रिसोर्सेज इज फॉर इंडिविजुअल. एक आदमी के लिए रिसोर्स स्केर्ड है क्या? हाँ जी है. एवरी सोसाइटी के लिए है क्या? हाँ जी है. एवरी कंट्री के लिए भी है क्या? ऐसा है क्या कि भैया ये जो स्केर्ड रिसोर्सेज है ये साउथ अफ्रीका के लिए, ये इंडिया के लिए नहीं है, या इंडिया के लिए है मे बी यू नो सिंगापुर या अदर कंट्री के लिए नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं. इफ द रिसोर्सेज इज स्केर्ड, इट इज स्केर्ड फॉर ऑल. So every individual, society, country in this world faces the problem of making choices. This is because of the two fundamental facts. Human wants are unlimited and the means, that is resources, to satisfy the unlimited want are relatively scarce, and these scarce resources have alternative uses. अच्छा, पहली बात तो resources scarce भी है, लेकिन ये scarce resources के भी alternative uses है. अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं. अज्यूम कीजिए हमारे पास 100 rupees है और कल संडे का दिन है, राइट? अब आपके केस में आप थोड़े से अमीर लोग हैं तो ये 100 को 1000 कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपकी बेइज्जती ना हो. आई एम सो सॉरी. सो अब यहाँ पे क्या होता है, ये 1000 rupees आपको खर्चे करने हैं. अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिविटी करवाने वाला हूँ. अपने मन में 2 मिनट के लिए पहले सोच के रखिए, ये 1000 rupees आपको स्पेंड करने हैं, कैसे स्पेंड करने हैं, फिर मैं आपके पास आऊँगा और पूछूँगा. कृपया ऐसे जवाब दीजिएगा जो सभ्य भी लगे, है ना? हो सकता है कोई मेरे को बोले सर मैं शुक्रवार पेट जाऊँगा, तो शुक्रवार पेट मतलब प्रेस्टीज पॉइंट पे ही आऊँगा, है ना? गंदे लोग जब देखो तब मिड ऑफ द वीक पे पहुँच जाते. हाँ जी, सोच लिया आप सभी लोगों ने? सोच लिया? चलो मेरे भाई सबसे पहले बताएगा. हाँ जी, 1000 रुपये कैसे खर्चना करना चाहेंगे आप? सवेरे फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट करने जाऊँगा. पहले ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, अज्यूम करते हैं 300 rupees उसमें चले गए. फिर मूवी देखने जाऊँगा. मूवी देखने चले गए, कोई मूवी आई है? परसों की भी देख लेंगे, ठीक है. बैड न्यूज, समझ रहे हो लड़का कहाँ जा रहा है? चलिए इसमें और हमने 400 रुपए डाल दिए, स्टिल ही इज लेफ्ट विद 300 rupees. नेक्स्ट फिर रात में खाना खाने बाहर जाएंगे, तो चलो 1000 रुपए यहाँ पे खत्म हुए, ठीक है. चलिए मैम बता दीजिए जरा सा. अरे डरेंगे मत, बिल्कुल नहीं नहीं. अरे बेटा डरने से काम नहीं होगा, जिस कोर्स को आप करने जा रहे हैं पर नेक्स्ट टाइम जवाब देगी पक्का. हाँ चलो जाएंगे, देखा लड़की से शॉपिंग नहीं छूटेगी. चलिए ठीक है, और फिर कैफे शॉप में भी, ठीक है जी. आप बोलो. H&M की हुडी लूंगी. देखो
हजार तो इधर ही खत्म हो गए, तो H&M की हुडी ले लिया आपने। हाँ जी, यस बेटा बताइए। शॉपिंग पे करेंगे खर्चा, ठीक है। तो लड़कियों से मोटे मोटे तौर पे खाना और शॉपिंग पे खर्चा होने वाला है, ठीक है। तू बता भाई, तेरे काय पे खर्चा होने वाला है? ब्रेकफास्ट करेंगे भाई। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, ठीक है ठीक है। हाँ, उसके बाद पिक्चर देखने जाएंगे। हाँ, और डिनर करेंगे। आप समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ तो मेरे भाई भी कुछ और करेगा। हाँ हाँ जी, टर्फ जाएंगे क्रिकेट खेल। हाँ टर्फ, यार ये अपन भी कर सकते हैं सब लोग, सही में एक बार टर्फ चलते हैं। तो टर्फ जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए, आई गेस वहाँ पे 400 रुपए लग गए और हजार लगते टर्फ में, हजार रुपए लगता टर्फ में। कोई फोकट का ग्राउंड नहीं, प्रेस्टीज के सामने वाले चल लेंगे अपन। नहीं नहीं वो अल्टीमेटली खेलना तो बैटर बॉल ही है। अरे ऑनलाइन एक बच्चा है वो कह रहा है सर कोई तो भी पेट में जाऊंगा गणपति के दर्शन करने के लिए। कितना संस्कारी बच्चा है, देखा। सीधा भी कह सकता था मैं अप्पा बड़वन चौक जाऊंगा, नहीं। बट खैर, इससे आपने क्या समझा, एक बात समझिए। ये जो हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया क्लास में, इससे हमने क्या समझा, इससे हमने एक चीज समझी, दैट एवरीवन वांट्स इज डिफरेंट। बराबर है कि नहीं? इवन दो ये दो लोगों का हो सकता है मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, या वो दो लोगों का हो सकता है मेरे को शॉपिंग करना है, बट दोनों की जगह सेम है क्या? आंसर इज नो। दोनों का मोड ऑफ स्पेंडिंग सेम है क्या? आंसर इज नो। अब यही क्वेश्चन अराइज होता है कि पैसा तो है, और पैसे को जब दो अलग अलग लोगों के सामने दिया जाता है तो उनकी जो चॉइसेस होती है वो सेम होती नहीं। एंड इसीलिए वो कहा जाता है कि चॉइसेस हैव अ अल्टरनेटिव यूजेस, या रिसोर्सेज हैव अ अल्टरनेटिव यूजेस। तो कोई उसको टर्फ में खर्चा करना चाह रहा है, कोई ब्रेकफास्ट में खर्चा करना चाह रहा है, कोई H&M में खर्चा करना चाह रहा है, कोई कहीं और खर्चा करना चाह रहा है। सो अगर आप देखेंगे दैट रिसोर्स इज लिमिटेड टू एवरी वन, बट सबका स्पेंडिंग का जो बिहेवियर है ये बिल्कुल अलग अलग है। दैट व्हाट मेक्स इकोनॉमिक्स इनटू अ ग्रेटर पिक्चर, कि बॉस यस आपको क्या करना है, आपको अलग 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 पॉइंट पे सोचना है कि कहाँ आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज दस द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टूगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेज इंटू गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग वॉन्ट्स ऑफ आर इन्फाइनाइट वॉन्ट्स एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दिस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग आर सेल्फ। येस और नो? तो भैया हमारी वॉन्ट्स तो बहुत सारी है। अब देखो, ऐसा हो सकता कि हमारे को ऐसा लगे यार हजार रुपये में से और मैं कुछ कहीं और खर्चा कर दूँ, मैं कुछ और कहीं खर्चा कर दूँ, लेकिन हमारी वॉन्ट्स तो भाई साहब बहुत अनलिमिटेड चल रही है लाइफ के अंदर में। लेकिन इन अनलिमिटेड वॉन्ट्स के साथ साथ हमें क्या करना होगा, हमें रिसोर्सेज स्केर्स को पकड़ के चलना होगा। सो इज दिस डेफिनेशन कंप्लीट? द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज हाउ एवर नैरो। ये इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है इसे क्या बोला जा रहा है? नैरो बोला जा रहा है। नैरो मतलब ये बहुत छोटी है। अब पूछो ऐसा क्यों? सिंपल है ना, मैंने आपसे जो भी सवाल पूछा वो सारे प्रेजेंट पे पूछा कि अगर आपके पास ऐसा है तो आप क्या करोगे। इसने फ्यूचर की तो बात ही नहीं की कि फ्यूचर में अगर आपके पास पैसा आएंगे तो क्या, या पास्ट के जो पैसे थे उसका क्या हुआ। यानी हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को नैरो क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट फोकस ओनली ऑन द प्रेजेंट कंजम्पशन, इट डज नॉट फोकस ऑन द फ्यूचर कंजम्पशन। अच्छा, यही मैं अगर आपको ऐसा कह देता कि आउट ऑफ दिस 1000 rupees 100 rupees यू हैव टू मैंडेटरीली सेव इन योर बैंक अकाउंट, तो मैं कहता कि हाँ यार तुम्हारे फ्यूचर के लिए इकोनॉमिक्स ने क्या कर रखा है? प्रोविजन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इकोनॉमिक में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो क्या पकड़ी जाती है? बहुत नैरो, कि बहुत छोटा है, ये सिर्फ प्रेजेंट पे बात कर रहा है। The definition of economics is however narrow because it concentrate only at present. How to use relative scarce resources to satisfy unlimited human want. So it gives the picture of society with fixed resources. ये assume किया जा रहा है कि भैया society क्या है? Fixed resources के साथ है। कहीं ऐसा हम दिमाग नहीं लगा रहे कि 1000 में और कहीं से आ सकते हैं, हम मम्मी से कहीं से मांग सकते हैं, हम कहीं और से earn कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं बताया जा रहा। हमें सिर्फ इतना बताया जाता है 1000 rupees खर्चना कैसे, खत्म। इसीलिए definition बहुत narrow भी पकड़ी जाती है। Further, skills, productive capacity, declining what type of goods and services to be produced and how distribute among its member.
इकोनॉमिक्स देयरफॉर कंसर्न इटसेल्फ नॉट जस्ट विद क्रूशियल कंसर्न ऑफ हाउ अ नेशन एलोकेट्स इट्स रिसोर्सेज, इट ऑल्सो डील विद द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी इंक्रीज. तो इकोनॉमिक्स यहाँ बहुत बड़े पिक्चर में आ जाता है. इकोनॉमिक्स सिर्फ ये नहीं बताता कि भैया प्रेजेंट रिसोर्सेज को किस तरीके से कंज्यूम करना है, इकोनॉमिक्स ये सजेशंस भी देता है कि आप फ्यूचर के लिए इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. यस, इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड अफेक्टेड बाय सेवरल फोर्सेस. वो कहते हैं इकोनॉमिक जो है ये कई सारे कॉम्प्लेक्स नेचर के साथ आता. कॉम्प्लेक्स मतलब ये सुलझा हुआ नहीं, काफी उलझा हुआ डिसीजन है. पूछो कैसे, आप सोच के देखिए ना कितना उलझा हुआ डिसीजन है, राइट. चलिए मैं आपको इसकी उलझ बताता हूँ छोटा सा, ठीक है. नाउ अज्यूम कीजिए, इनके एग्जाम्पल को लेते हैं हम. H&M का आप सभी को कुछ ना कुछ लेना है, ठीक है. और अज्यूम कीजिए उसके सब प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट. तो मैं सिर्फ बच्चियों से पूछना चाहूँगा, लड़कियों से पूछना चाहूँगा कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आप लेना चाहेंगे. इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया पहले ही, हुडी. आप क्या लेना चाहेंगे मैम, आपको गिवन एन ऑप्शन, आप कुछ बाय करना चाहेंगे खुद के लिए, क्या करना चाहेंगे. यू हैव 1000 रुपीज, बैग लेना चाहेंगे, ठीक है. आप हाँ टी शर्ट लेना चाहेंगे, आप क्या लेना चाहेंगे बेटा. शूज़ लेना चाहेंगे, आप क्या लेना चाहेंगे बेटा. जीन्स लेना चाहेंगे, ठीक है. आप अज्यूम करते हैं कि आ रहा है कुछ टॉप, लड़कों को इतना टैंक टॉप नहीं समझेगा, टॉप, ठीक है. टॉप रहता है ऐसा कुछ, तो टैंक टॉप मतलब कुत्तो रहता, तुम लोग समझ लो, ठीक है. आप क्या लोगे बेटा, टी शर्ट ले लेंगे. आप क्या लोगे बेटा, हाँ जी ट्रैक पैंट ले लोगे. अब अंडरस्टैंड करो एक बात को, अगर 1000 रुपए ही है, सिंस एवरीवन्स वांट इज डिफरेंट, इज इट सो इजी टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन. नो. फर्दर, ठीक है, अभी अज्यूम करते हैं. तो अज्यूम करते हैं हम लोगों ने कलर बोले. देखो लड़कों के पास ना कलर के ऑप्शन नहीं होते, ठीक है. लड़के कितने कलर यूज कर सकते हैं. एक दिन तो मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया था. पूछो कैसे. देखो एक दिन मैं आ गया मेरी बीवी के हाथ में, मैं खाली मिल गया, ठीक है. मैं खाली मिल गया, मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया था. पता है कैसे, मैडम मेरे को लेके गई वो कोई शॉप होता है ना लड़कियों का, गो कलर्स, नहीं ये चैनल हुआ कलर्स, नहीं ब्रांड भी है ना, हाँ. तो ये बंदी मेरे को लेके गई कहाँ, गो कलर्स में, FC रोड पे, ठीक है. हम लोग अंदर गए, लड़कों का काम तो बड़ा सिंपल है, मोबाइल पकड़ना है और बैग पकड़ना है, अंत में पैसे दे देने, ठीक है. हमारा काम तो बड़ा सिंपल है, और जो वो पहन के आई, हाँ ये भी अच्छा दिख रहा तू ले ले, ठीक है. हम अंदर गए, मैडम ने जो पूछा ना मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गया. पूछो क्या. भैया वाइट में कलर दिखाओ. कुछ भी, वाइट में कलर होता है, वाइट में कलर होता है. अच्छा बताओ वाइट में कितने कलर होते हैं. ऑफ वाइट, क्रीम वाइट, ब्राइट वाइट, प्लेन वाइट, शिमरी वाइट, हाँ, और कौन सा, आइवरी वाइट, हाँ बोल, मैट वाइट, ब्लैक वाइट बोला, मैट वाइट बोला, मैट वाइट, हाँ मैट वाइट बोल, और कुछ नहीं, हाँ इधर कोई, इतने चौथे. लड़कों बेटा वाइट में कितने कलर रहते हैं, कौन सा, वाह. अच्छा चलो सुनो सुनो सुनो, सच में मेरे को बताओ, हाँ जेन्युइनली बताओ, नहीं लड़कियों का टेस्ट प्रेफरेंस होता है इसके लिए पूछ रहा हूँ, ब्लू में कलर होता है. टेल मी कितने ब्लू होते हैं. ये कौन सा ब्लू है, ये नेवी ब्लू है, ये रॉयल ब्लू नहीं है. तो रॉयल ब्लू कैसा हुआ, इससे भी डार्क होता है. अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो एक नेवी ब्लू, एक रॉयल ब्लू और स्काई ब्लू, हाँ स्काई ब्लू और लाइट ब्लू भी अलग है. भैया इज दिस ब्लू, नो इज दिस इज ब्लू. ये ब्लू और ये ब्लू में क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, हाँ. तो ये कौन सा ब्लू है, ये डार्क ब्लू है. तो ये नेवी ब्लू है, और नेवी ब्लू और डार्क ब्लू भी अलग ब्लू है.
हाँ, और ब्लू कौन सा होता है? सियान ब्लू, सियान ग्रीन होता है। हाँ, और कुछ होता है भाई? ओशन ब्लू भी कुछ होता है क्या? पीकॉक ब्लू, ओशन ब्लू, हाँ, सी ब्लू, सी एंड ओशन इज डिफरेंट। अरे माँ कसम, बताइए। और अच्छा, और भी कुछ दो पांच कलर और जोड़ देते हैं ब्लू में, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, गो कलर्स को ना किसी लड़की ने ही बनाया। लड़का इतना कलर ही नहीं सोच सकता लाइफ में। तुम्हारे से पूछे तो साले दो ही होंगे, लाइट ब्लू डार्क ब्लू, खत्म हो गया काम। यस और नो? अब देखिए, डिसीजन मेकिंग कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर इनको सिर्फ ब्लू लेने, मैंने ना एक और बार किया, ये तो मैंने इंस्टा पे वीडियो भी बना के डाला है, कि मैंने मेरे धर्मपत्नी को बोला, मेरे को चैनल लेने जाना था, तो मैंने बोला मैं काम कर रहा हूँ, तू जाके मेरे लिए ब्राउन शूज लेके आ। भाई सात शूज लेके आई है लड़की। कितने? सात। दिस इज टैन ब्राउन, दिस इज डार्क ब्राउन, दिस इज कैमल ब्राउन, दिस इज मानिकचंद ब्राउन, दिस इज विमल ब्राउन, दिस ब्राउन, दिस इज दैट ब्राउन। भाई 50,000 का बिल लेके आ गई, ये लो। मैंने बोला इसमें मेरे कितने की है? तो बोले तुम्हारे 30,000 के। मतलब बच्चे किधर गए? मैंने दो सैंडल लिए, बोले मतलब मार मेरे सर पे। कुछ भी? अरे कुछ भी। तो डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। खैर ये तो हम मस्ती मजाक की बात करें, बट जेन्युइनली डिसीजन मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इमेजिन अगर हमें कंपनी के लिए कोई कार लेनी है, हमने डिसाइड किया कि यार कंपनी के लिए कार होनी चाहिए जो ट्रू एंड फ्रो करे, तो कार के अंदर में भी आप सोचो ना आज कितने ऑप्शन है भैया। आपको पेट्रोल चाहिए, CNG चाहिए, EV चाहिए, यू नो डीजल चाहिए, आपको चार ऑप्शन है। फिर आप हैचबैक चाहिए, फिर आपको पिकअप व्हीकल चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जब आप डिसीजन मेकिंग लेने के लिए आते हैं तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब आप सोच के देखिए, आपका 10th या 12th का एग्जाम होगा, उसके बाद में कुछ सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्शन हुए होंगे? कि आपको CMA आना है या CS में जाना है, CMA में जाना है, किधर जाना है? तो आपने सबसे पहले ऐसा पैरामीटर लिखा लिया, 12वीं के बाद क्या क्या हो सकता है, CA CS CMA एडवोकेट, यू नो PhD एक्सेट्रा एक्सेट्रा, MBA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें से पैसा किधर ज़्यादा मिल रहा है? अच्छा इधर ज़्यादा मिल रहा, चलो अपने को ये करने का है। फिर कोई भाई कर रहा था इसलिए हमने कर लिया, हमारी कभी तो भी इच्छा हुई थी देख करके कि हाँ ये करना चाहिए इसलिए कर लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इज इट ए ईजी प्रोसेस? नो। फिर उसके बाद आपने सिलेक्ट किया कि भैया हाँ क्लासेस कौन सी लगानी है, तो उसके अलग अलग चार पाँच पैरामीटर आए, यस और नो? सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यू हैव टू सिलेक्ट वेरी यू नो बिटवीन वेरी ऑफ द थिंग्स एंड देन यू कैन ओनली डू इट। सो इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड आर अफेक्टेड बाई सेवरल फोर्सेज, सम ऑफ विच आर रूटेड इन इकोनॉमिक्स एंड अदर्स इन पॉलिटिकल सेटअप एंड सोशल नॉर्म्स। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैनॉट एंश्योर ऑल द प्रॉब्लम विल बी appropriately tackled. Economics पढ़ने से आपकी कोई problem solve नहीं हो सकती, but हाँ without doubt it would enable a student to examine the problem in its right perspective. पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है मालिक? And it would help in discovering a suitable measure to deal with the same. चलो register निकालो, जितना हमने पढ़ा थोड़ा थोड़ा लिखेंगे भी। ये देखिए, ये हमने basics में भी लिखा है, आपको फिर से ये लिखना है chapter number 1 करके। गिव द हेडिंग चैप्टर नंबर 1। अच्छा मैं आपको एक बार पूरा सेटअप वापस से समझा देता हूँ। देखो आपका मॉड्यूल कुछ इतना बड़ा आ रहा है, मॉड्यूल लगभग 350 पेजेस का है, उसको हमने नोट्स में लेके आया 200 पेजेस में, उसी को हम लेके आ रहे हैं 80 पेजेस के अंदर में इन रजिस्टर। ये जो रजिस्टर आप मेरे साथ लिख रहे हैं ये आपके पर्सनल नोट्स होंगे, एंड बिलीव मी रजिस्टर में हम जितना लिख रहे हैं ये सब एज इट इज़ MCQ है, ये पूरा का पूरा एज इट इज MCQ है, समझ आ रहा है बात? तो ये है आपके पर्सनल नोट्स जो मैं आपकी क्लास में ही प्रिपेयर करवा के दे रहा हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट सर, तो फिर हमें पढ़ना कहाँ से है? जब आप फर्स्ट रीड करेंगे तब आप नोट्स प्लस रजिस्टर दोनों साथ में से रीड करो फटाफट, ठीक है? एग्जाम से पहले आपको सिर्फ रजिस्टर पढ़ना है, काम खत्म। सो चैप्टर के अंदर में दो यूनिट, यूनिट 1 बेसिक, यूनिट 2 टाइप ऑफ इकोनॉमी, यूनिट 2 टाइप ऑफ इकोनॉमी।
टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमी वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स. Economic arises from a Greek word oikonomia, which means household management. Father of economics is Adam Smith. He elaborate in his book Nature and Causes of Wealth of Nation published in the year 1776. Done, sir. Chalo. Aate hain beta. Next part ki likh liya beta sabne first. Okay. Aate hain next point ke upar. सर मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. देखिए क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यू हैव टू स्पेंड 1000 रुपीज अक्रॉस मेनी ऑफ योर डिमांड्स. पहली डिमांड थी ब्रेकफास्ट करना है, दूसरा लंच करना है, तीसरा डिनर, चौथा मूवी, पांचवा परचेसिंग. वांट्स आर अनलिमिटेड और इसके अंदर में रिसोर्सेज जो है इन सबको करने के लिए वो कितने हैं 1000. तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ डिसीजन मेकिंग. बराबर है कि नहीं? डिसीजन मेकिंग क्या होता है सर? डिसीजन मेकिंग इज सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन विच सेटिस्फाई योर मैक्सिमम वांट. तो डिसीजन मेकिंग क्या है? 1000 रुपए को किस तरीके से खर्चा किया जाए सो दैट मैं मेरी मोस्ट ऑफ द वांट्स को सेटिस्फाई कर दूं. अब मुझे एक बात बताइए, 1000 रुपए में क्या आपकी सारी डिमांड्स कंप्लीट हो जाएंगी क्या? नहीं. 1000 रुपए में आपकी सारी डिमांड्स कंप्लीट हो सकती? नहीं. बट डेफिनेटली डेफिनेटली आपका ये तो हो सकता है ना कि मैक्सिमम वांट कंप्लीट हो जाए अगर आप उसको सही तरीके से यूज कर सके. राइट. सो दैट रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. कि मेरे पास 5 अल्टरनेटिव है, इसमें से मैं पहले कहां इन्वेस्ट करूं. राइट. दैट इज द बेस्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मूवी जानी है, हम सबको पता है मूवी में सुबह का अगर स्लॉट लिया जाए राइट तो उसका टिकट कॉस्ट जो होता है वो सस्ता पड़ता है, और अगर इवनिंग लिया जाए पब्लिक हॉलीडेज के दिन तो उसका कॉस्ट क्या पड़ता है? महंगा. राइट. दूसरा ये भी हो सकता है इकोनॉमिक्स के अंदर में सिलेक्टिंग द थिएटर. 1000 रुपए में आपके पास 2 चॉइसेस है. पहला चॉइस, आप कोपा में जाएं. कोपा पता है तुम लोगों को? पुणे का एक मॉल है कोपा, उसके अंदर का जो पीवीआर है वो रेक्लाइनर है पूरा. मतलब आप वहां पे आराम से बैठ के चद्दर ओढ़ के मूवी देख सकते हैं. समझ रहे हैं ना आप? वैसे दोनों चिपके हुए रेक्लाइनर हैं, रेक्लाइनर उठाया तो थोड़ा बेड टाइप बन जाता वो. अंधेरा होता है काफ़ी, ज़रूरत पड़े तो लैंप भी है बाजू में. अच्छा है काफ़ी, जा सकते हैं, पारिवारिक माहौल है ना? आप वहाँ पे जा सकते हैं. अब अंडरस्टैंड करना, एक व्यक्ति की टिकट ही है 1100, 1100 रुपये एक व्यक्ति की टिकट.
एज अगेंस्ट दैट आप दूसरा जा सकते हो विजय थिएटर, हाँ विजय थिएटर करके एक थिएटर है, विजय थिएटर मतलब थिएटर है, इट्स नॉट अ पीवीआर और समथिंग, इट्स अ थिएटर, वहाँ पे आपकी टिकट 110 रुपये है। अब मुझे एक बात बताओ, नॉट जस्ट सिलेक्टिंग द टाइम बट सिलेक्टिंग द प्लेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तीसरा एक और है चांदनी थिएटर, 80 रुपये, बराबर है, चांदनी थिएटर 80 रुपये, पर वो कहाँ है, वो पूरे गांव के बाहर है। अब बोलोगे भैया मैं वहाँ सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से वहाँ जाने का कॉस्ट भी लग जाएगा, तो डोंट यू थिंक सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ थिएटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये हुआ दूसरा डिसीजन मेकिंग। अब आता है तीसरा डिसीजन मेकिंग, वहाँ जाके मूवी कहाँ देखना। हमें भी पता है कि तीन लेवल्स पे मूवी देखी जाती है, एक एकदम फ्रंट रो होता है, एक बैक रो होता है, देन देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ बालकनी अर्लियर, यस और नो। अब वो खत्म हो चुका है, अब लास्ट रो और फिर देन मिड रोज एंड मेन रोज हो गए। अब आप मुझे बताइए, आप वहाँ का भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि मैं कहाँ बैठ करके मूवी देखूँ। तो आप देखिए, देखना मूवी है बट इसके अंदर में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है ना। फिर चौथा डिसीजन मेकिंग, वहाँ पे अंदर पॉपकॉर्न खाने का कि नहीं खाने का, दिस विल ऑल्सो सेव योर मनी, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो कैसे बेटा लिमिटेड। पता चला कि आप वहाँ जा रहे हो 100 रुपये के थिएटर में और वहाँ पे तो पॉपकॉर्न 200 का है, आपने 200 का पॉपकॉर्न ले लिया, तो आपको तो 300 रुपये का मूवी पड़ गया एक ही। गेटिंग द पॉइंट? सो आप देखो डिसीजन मेकिंग जो है ये कितने ऑल्टरनेटिव वे से गुजरता है, राइट? सो डिसीजन मेकिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशियंट मीन्स ऑफ ट्रेनिंग द डिजायर्ड एंड। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इवेल्युएशन ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग में मेजरली क्या होता है, ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना कि मैं इसके बदले क्या ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसके बदले क्या ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से अगर आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, एक आपका खुद का गाड़ी यूज़ कर लो, दूसरा आप बस यूज़ कर लो, तीसरा आप मेट्रो यूज़ कर लो, यस और नो, चौथा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट MSTC यूज़ कर लो, तो ऐसे ये चार अल्टरनेटिव है, इसमें से आपका कंफर्ट प्लस सेविंग ऑफ कॉस्ट जिसमें है आप वो सिलेक्ट करोगे। यस, रैशनल जजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव विच डिसीजन मेकर फाइंड एज मोस्ट सूटेबल। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट जनरली नीड टू मेक स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन। तो जब डिसीजन मेकिंग किया जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहाँ पे तीन तरह के डिसीजन मेकिंग करते हैं। पहला होता है स्ट्रैटेजिक। समझते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या है, ऊपर एरो करके लिखो, फॉर एग्जांपल मर्जर्स एंड अमलगमेशंस। यस, अच्छा अपन ने लिखा ही नहीं है ना, रुको मैं बताता हूँ। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं मर्जर्स एंड अमलगमेशंस। किसी कंपनी को हमने एक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हो गया स्ट्रैटेजिक डिसीजन, राइट? कि कंपनी एक स्ट्रैटेजी लगा रही है। जैसे कुछ दिनों पहले क्या किया था, फ्यूजन स्टील्स नाम की एक कंपनी थी, राइट? काफ़ी अच्छा कंपनी का काम था। टाटा स्टील ने क्या किया, भूषण स्टील को एक्वायर कर लिया। अब ये जो डिसीजन था ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, इससे दो बड़े फायदे हुए। पहला, टाटा से एक कॉम्पिटिटर ही हट गया, अब बात समझ रहे हैं, टाटा के रास्ते से एक कॉम्पिटिटर हट गया। दूसरा, टाटा का कैपेसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि उन्होंने भूषण स्टील्स को एक्वायर कर लिया, तो उनका कैपेसिटी एक्सपांड हो गया, राइट? तीसरा, उस मार्केट के अंदर में उनका डोमिनेंस क्रिएट हो गया, राइट? स्टील मार्केट में उनका क्या क्रिएट हो गया, डोमिनेंस क्रिएट हो गया। तो ये मर्जर्स एंड एमलगमेशंस जो हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो गए। दूसरा स्ट्रैटेजिक डिसीजन, वेदर वी शुड एंटर द न्यू प्रोडक्ट और नॉट, राइट? जैसे टाटा ने रिसेंटली यू नो डिसाइड किया कि हम सेमीकंडक्टर्स में जाएंगे, तो ये था स्ट्रैटेजिक डिसीजन टू एंटर इनटू अ न्यू बिजनेस ऑल टुगेदर, राइट? तो ये हो गया आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन। दूसरा हो गया आपका टैक्टिकल डिसीजन। दूसरा डिसीजन कौन सा हो गया, टैक्टिकल, जिसको हम कहते हैं बिजनेस डिसीजंस लेना, राइट? हमने साल भर में कितना एक्वायर करना चाहिए, किससे एक्वायर करना चाहिए, राइट? उसके बाद में सेल्स कहाँ कहाँ होनी चाहिए, क्या हमने कोई न्यू टेरिटरी में जाके सेल्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेल्स के ऊपर डिस्काउंटिंग पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जितने ऑफर रिलेटेड चीज़ें हैं, जितने डिस्काउंट रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब कहाँ हैंडल होता है बेटा, टैक्टिकल। और तीसरा होता है ऑपरेशनल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डिसाइड किया कि हम हमारे सारे प्रोडक्ट रेंज के ऊपर 10% का क्या लेके आएंगे, डिस्काउंट लेके आएंगे। सो लेट्स से एक तुम डिसाइड करता है कि उनके हर प्रोडक्ट के ऊपर 10% का डिस्काउंट आएगा। अगर हर प्रोडक्ट के ऊपर 10% का डिस्काउंट आएगा, विच मींस आपको सबसे पहले हमारे जितने 134 सेंटर्स हैं इंडिया में, उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भैया 10% का डिस्काउंट आ रहा है, हाँ यहाँ, राइट? एट द सेम टाइम उन्हें नए बैनर भी बना के भेजने होंगे कि सर देखो ये डिस्काउंट आ रहा है। तीसरा, उनको यू नो उनके जो ऑर्डर है वो लग पाए, इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स करने होंगे कि हाँ यार इनके ऑर्डर आए। फिर ऑर्डर आए तो उसका प्रोसेसिंग करवाना होगा। ये सारी चीज़ हो गई ऑपरेशनल डिसीजन। अब जैसे मैं बताता हूँ, जितने बच्चे ऑनलाइन हमारे को
इंडिया भर में देख रहे हैं। अब ये लेक्चर देखने के बाद वो बोलेंगे कि मेरे को लेक्चर बाय करना है, तो उनका प्रोसेस क्या होगा, ये पूरा ऑपरेशनल काम हो गया। पहले वो ekatvamacademy.com के ऊपर जाएंगे, CA फाउंडेशन में जाएंगे, CA फाउंडेशन में जाके वो सिलेक्ट करेंगे अपने अटेम्प्ट के हिसाब से, May 25, November 25, January व्हाटएवर वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा, आपको एक ऑर्डर विंडो आएगा, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ऑर्डर करोगे या तो पूरा का पूरा एकत्वम का पैकेज ऑफर कर दोगे। पैकेज ऑफर करने का फायदा क्या होगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। तो आपने डिस्काउंटेड प्राइस को ओके कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद क्या होगा, प्रोसेस समझिए। जैसे ही पेमेंट करेगा उस बंदे को एक व्हाट्सएप आता है कि योर ऑर्डर इज बुक्ड, और हम आपके ऑर्डर को क्या करने जा रहे हैं, प्रोसेस करने जा रहे हैं। अब आप क्या करोगे, प्रोसेस करना चालू कर दोगे। जैसे वहां से आया, अब देखो कंपनी का ऑपरेशनल चीज चालू होती है, ऑर्डर आया, आपने सारी ऑर्डर की कॉपी निकाली कि भैया कितने लोगों को क्या क्या ऑर्डर भेजना है। ये ऑर्डर वो बुक डिस्पैच डिपार्टमेंट को भेजेंगे, राइट, बुक डिस्पैच डिपार्टमेंट को भेजेंगे और एक आईटी डिपार्टमेंट को भेजेंगे। आईटी डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, उस बच्चे को सीरियल की इशू करेगा हमारे लेक्चर देखने की, क्योंकि 4-5 डेमो लेक्चर देखने के बाद हम ये ऑनलाइन जो सिस्टम है ये बंद कर देंगे, राइट। तो उनको अब लेक्चर बाय करने पड़ेंगे, तो एक जन उसको सीरियल की इशू करेगा, लेकिन सिर्फ सीरियल की से काम चलेगा क्या, कि उसको बुक्स भी भेजने पड़ेंगे, बच्चे को बुक्स भी भेजने पड़ेंगे। तो बुक्स डिपार्टमेंट को जो कॉपी जाती वो उस बुक्स को पैक करते। अब सिर्फ बुक्स को पैक करके काम नहीं होगा, यानी हमारे को एक ट्रांसपोर्ट वाला भी लगेगा, राइट। तो मे भी DTDC या अदर कुरियर, कोई किसी के साथ हमारा एफिलिएशन होगा, हम उसको ये ऑर्डर पकड़ाएंगे कि देख भाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर में तेरे को क्या करना है, ये इस पर्टिकुलर जगह पे डिलीवर करना है। तो ये गुड्स यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, उसको डिलीवर होगा, फिर वो बच्चा वापस कॉल करेगा कि भैया आप देखो मेरे को एक तरफ तो सीरियल की आ गई मेरे मेल पे और मेरे को बुक भी आ गई, पर ये तो बताओ सीरियल की के साथ करना क्या है, मेरे को लेक्चर कैसे डाउनलोड करने है, मुझे क्या करना है। फिर उसको हमारा टेक्निकल टीम कॉल करता है, वो बताता है कि भैया देख ये तेरे को ऐप डाउनलोड करना है, ये तेरे को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करने के बाद तू यहाँ पे नंबर डाल, ये डाल, यहाँ जा करके तेरे को तेरे सारे लेक्चर मिल जाएंगे। दैट इज हाउ ऑपरेशनल प्रोसेस इज डन। तो एकत्वम को किसी और अकेडमी को एक्वायर करना है तो ये हो गया स्ट्रैटेजिक डिसीजन। एकत्वम ने कब ऑफर लाने चाहिए, कैसे ऑपरेशन होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, हो गया टैक्टिकल डिसीजन। और फाइनली जब ये लोअर लेवल पे कैरी आउट किया जाता है तो ये कौन सा डिसीजन हो गया, ऑपरेशनल डिसीजन। समझ में आया। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ इशूइंग रिक्वायरिंग डिसीजंस आर, शुड द फर्म बी इनटू द बिजनेस, क्या ये बिजनेस में रहना चाहिए या बिजनेस बंद कर देना चाहिए, बताओ कौन सा डिसीजन हुआ, शुड बी इन द बिजनेस और वी शुड कैंसिल द बिजनेस, क्या स्ट्रैटेजिक डिसीजन। शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड गिव हाई कॉम्पिटेटिव मार्केट, कौन सा हुआ, टैक्टिकल डिसीजन। शुड फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम, अगेन कौन सा डिसीजन हुआ, टैक्टिकल। एंड हाउ मच ऑप्टिमम आउटपुट शुड बी अचीव्ड, ये कौन सा डिसीजन हुआ, ऑपरेशनल डिसीजन। यस, सो डिसीजन मेकिंग ऑन द अबाव एज वेल एज सिमिलर इश्यू इज नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच द फर्म फंक्शन इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। तो भैया ये इतना भी आसान नहीं है जितना आसान मैंने आपको बता दिया, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए कई बार क्या होता है, बच्चे ने एड्रेस दे दिया मेरे को, अंडरस्टैंड कीजिएगा, लखनऊ का एड्रेस दे दिया, लेकिन बच्चे का फाइनली ये डिसाइड हुआ कि वो अपने मम्मी के साथ जा रहा है दिल्ली रहने के लिए 6 महीने के लिए। अब उसको ऑर्डर किधर जा रहा है, लखनऊ, पर बच्चे को बुक कहाँ चाहिए, दिल्ली। बात समझ में आ रही है बात। तब वो हमारे को वापस से कम्युनिकेट करता है कि सर एक्चुअली मेरा एक डिसीजन थोड़ा सा चेंज हो गया है, नाउ आई रिक्वायर माई बुक इन दिल्ली, कैन यू प्लीज डू समथिंग। बींग अ कंपनी हमें तो उसको कस्टमर सपोर्ट देना ही देना है, हाँ या ना। अब हमें सबसे पहले वापस ढूंढना पड़ता कि इसका ऑर्डर एग्जैक्टली पहुंचा कहाँ तक के, यहाँ से मुंबई गया होगा, मुंबई से फ्लाइट में उधर लखनऊ गया होगा, फिर लखनऊ के अंदर में ये पड़ा है कि मुंबई के अंदर में ही पड़ा है, पहले उसको ऑर्डर को ट्रैक करना होगा। आप नहीं अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करते हो तो ट्रैक आता है, पहले यहाँ से निकला यहाँ गया, यहाँ से निकला यहाँ गया, तो पहले ट्रैक करो, ट्रैक करके उसके बाद वहाँ वाले को बोलना पड़ता देख अब ऐसा तो हो नहीं सकता तू पार्सल वापस मुंबई लाए, हम एड्रेस पुणे लाए, हम वापस एड्रेस चेंज करें और तेरे को भेजे। फिर हमें उसको बोलना पड़ता है एक काम कर, जिधर वो पार्सल है उधर रख, उसके ऊपर एक नया एड्रेस लगा, अब वहां से तू कहां भेज दे, दिल्ली। तो ये जितना सिंपल दिख रहा है ये उतना सिंपल होता नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस होता है। ऐसा नो, कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट के घर पे मान लो डिलीवरी हुई रात में 8 बजे। अब मैं आपको बता दूं बड़े अजीब अजीब किस्से हैं, बट दैट्स हाउ बिजनेस इज डेवलप्ड, बराबर है। अब रात में 8 बजे डिलीवरी, अब देखिए हमारा कोई पार्सल आता है तो हमारे को ज्यादा खुशी होती है, हाँ या हाँ, राइट। हमको तुरंत होता है जैसे कुछ नया आया फाड़ो और यूज करना चालू करो। बराबर है, तो अपन तो बिल्कुल जल्दी में ही रहते कि भैया तुरंत चालू पड़ो। आपने ओपन किया,
ओपन करके यू नो प्रोडक्ट को यूज़ करना चालू किया. बट प्रॉब्लम क्या है, अब उसको समझ नहीं रहा क्योंकि टेक्निकली बुक्स आई है और उसके पास एक सीरियल की है. अब उसको पता ही नहीं ना भैया क्या डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या होने वाला है, उसको कुछ आइडिया है क्या? नहीं. अब वो रात में 9:30 बजे कॉल कर रहा है. अब मुझे एक सोच के बताइए, 9:30 बजे मेरा कोई ऑफिस स्टाफ होना चाहिए क्या ऑफिस में? नहीं. पर वो तो कॉल कर रहा है ना, क्योंकि बुक पे नंबर लिखा था यू कैन कॉल इन टेक्निकल इशू. अब वो अपने टेक्निकल इशू पे कॉल कर रहा है, टेक्निकल इशू पे कॉल कर रहा, वहाँ पे कोई उसको जवाब नहीं आ रहा. टेक्निकल इशू के 3 नंबर दिए, वो तीनों पर ट्राई कर रहा, 2-2 बार कॉल कर दिया, कॉल नहीं आ रहा. फिर वो बुक पलट के देखता है, अच्छा इस पर विजय सर का भी लिखा है. ठीक है, जब तक के बज गए 10:45. 10:45 के अंदर में वो मेरे को फ़ोन कर रहा है. फ़ोन करने के बाद, हेलो सर, मैंने आपका प्रोडक्ट लिया था. मैंने क्या कहा लिया था? अरे मतलब मैंने आपका प्रोडक्ट लिया था सर, तो मेरे लेक्चर चालू नहीं हो रहे सर, आपके टेक्निकल वाले भी कॉल नहीं उठा रहे सर, ऐसा थोड़ी ना होता है सर, आपने फिर नंबर लिख के क्यों दिया? मैंने कहा बहन सुन, हम कितने बजे बैठे हैं? 10:45. ये तो अच्छा हो मेरी बीवी को पता है मैं क्या करता हूँ, नहीं तो रात में अगर तेरा कॉल आ रहा है उसने तो मेरे को घर से निकाल देना है. रात में 10:45 बजे तुमको किस लड़की का कॉल आ रहा, समझ आ रहे हो बात? वो घर उसका है, मैं लीज पे रह रहा है वहाँ पे, बराबर है कि नहीं? वो नहीं होता हमारे घर पे, जैसे काम वाली बाई की इज्जत ज़्यादा होती है हमारे से, मेरे घर पे भी कुछ ऐसा ही है. अब 10:45 बजे मेरे को कॉल, फिर मैं उसको बोलता हूँ एक काम कर बेटा, तू कल 10 बजे के बाद फ़ोन कर. बेनाई से 10 बजे के बाद फ़ोन कर, टेक्निकली होता क्या, होना क्या चाहिए, हमने 10 बजे के बाद फ़ोन करना चाहिए. एग्जैक्ट 10 बजे, हाँ डॉट 10 बजे. अभी मेरे को एक बात बताओ, इज माई एम्प्लॉई माई स्लेव? द आंसर इज नो. 10 का ऑफिस का टाइम है, इंडिया है, 10 बजे आता क्या कोई? नहीं आता भाई. वो आए भी तो पहले 5 मिनट बेचारा बाहर बारिश चल रही होगी, वो आएगा 5 मिनट बैठेगा, सबसे मिलेगा, चाय पिएगा, वॉट एवर इज डन, फिर आकर के वो सबसे पहला मिस कॉल होता उधर चालू पड़ता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे. तो इसका नंबर जब तक क्या था, सर मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल ही नहीं उठा रहा. अरे कॉल नहीं उठा रहा मतलब उसका काम है दिन भर कॉल उठाना, तो कोई आपके टाइम के लिए तो वेट करो, बट इतना पेशेंस एज अ बायर हमें होता है क्या? नहीं. सो ये दिखने को बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि ले लिया, दे दिया, पढ़ लिया, हो गया, रैंक आ गया, खत्म. नो, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. अच्छा कई लोग तो ये भी लिख करके भेजते, सर मैंने आपका 500 रुपये वाला बुक परचेस किया था, CA Final DT चार्ट, वो सर मेरे को आया नहीं, आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे सर, मेरे साथ तो ये फ्रॉड हो गया ना. मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तेरे 500 में मैं फ्रॉड करूंगा, तेरे 500 लेके मेरे को क्या करना है? और 500 में देखा मैं कितना अमीर हो गया, देखो ये 500 का आया था. उसको बोला बेटा इससे ज्यादा मेरी गाड़ी तेल खाती है रोज का. तो ऐसा नहीं होता. देखिए हम ऐसा बोलते नहीं है, हम उसको बोलते ठीक है बेटा, व्हाट एवर इज योर प्रॉब्लम विल हैंडल इट, डोंट वरी विल डू इट, यस और नो. अब उसके फिर अजीबोगरीब क्वेश्चंस भी आते हैं, सर अभी जैसे मैंने लेक्चर तो ले लिया, अब पढ़ाई कैसे करूँ? लेक्चर लेते ही ना उसने लेक्चर ओपन किया है ना कुछ किया, सर मैं पढ़ाई कैसे करूँ, आप मेरे को स्टडी शेड्यूल बता दो. तो बेटा बुक उठा, उसे खोल, पढ़ ले. कितना सिंपल 3 स्टेप है, बुक उठा, बुक खोल, पढ़ ले. तो उसको बोलना पड़ता बेटा तू ये कर. सर फिर हमारे को मैराथन लेक्चर मिलेगा क्या? भाई तेरा पहला दिन है लेक्चर देखने का, तेरे को कहाँ जाना है मैराथन? अबे सिलेबस तो खत्म कर. सर फिर वो रिवीजन चार्ट मिलेंगे क्या? अरे सब मिलेंगे, पढ़ना तेरे को कुछ भी नहीं है इसमें से. ये सुनो मैं बताऊँ कि एक चांस, अगर एक ऑप्शन दिया जाए ना बच्चों को कि भैया एनीवन कैन गिव योर एग्ज़ाम, तो टीचर को कंसेप्ट के लिए नहीं एग्ज़ाम के लिए हायर करेगा, वे यू गो एंड गिव माई एग्ज़ाम. So, decision making on the above as well as similar issue is not simple and straightforward as economic environment in which, you know, it function is highly complex and dynamic. Dynamic ka matlab kya hota hai? Continuously changing. Yes or no? Right? The problem gets aggregated because most of the time decisions are taken under the condition of an imperfect knowledge and uncertainty. Decision making therefore requires the management to be equipped with proper methodology and appropriate analytical tool and technique. Business economics meets the need of management by providing a large corpus of theory and techniques. अब ये चीज़ों को solve करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग techniques और theory अपनाते हैं जिससे कहीं ना कहीं economics से inspired है. जैसे अभी हमने क्या किया, अब रात में, अब देखो बहुत सारे बच्चे, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, अकेले फाउंडेशन के मोर देन 2000
ऑनलाइन ऑर्डर्स हम लोग हर अटेम्प्ट के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब मोर देन 2000 ऑर्डर्स ऑनलाइन के हम सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के। 2000 बच्चे का में से आप मान के चलो 1000 तो रात में ही फोन करता, रात में 1 बजे भाई की नींद खुल रही, भाई फोन कर देगा। एक बार मेरे को रात में 1:30 बजे फोन आता, अरे सर पढ़ाई का मन नहीं लग रहा, क्या करूं? ये कितने बजे रात में 1:30 बजे चल रहा। अब देखो आप ये नहीं कह सकते कि भाई तो थोड़ा तो सोच समझ के बोल, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस कंडीशन में बैठा है बेचारा बच्चा। हो सकता है बेचारा बहुत प्रेशर में आया हो, गाली खा के आया हो, तो रात में 1:30 बजे उसको पढ़ने का सोच रहा। यस, अब अंडरस्टैंड करिएगा, ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको सिचुएशंस पता नहीं होती बहुत सारी, तो आप उसको बोलते हो कि हाँ बेटा तेरे को ये करना है, ये करना है, अगले दिन ये करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक उसी तरीके से मेरे को एक बात बताइए, कोई भी इकोनॉमिक्स अब टेक्निक अपनाता है। अब हमने समझ में आया, अब देखो होता क्या है, बीइंग टीचर हम भी थक जाते हैं यार, मॉर्निंग सुबह 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक के पढ़ा रहे हैं, हम भी थक जाते हैं, इसके बाद में घर बार बीवी बच्चे सब है। अब ऐसे केस में आप रात में 1:30 बजे तो कॉल का रिप्लाई कर नहीं सकते, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ यहाँ तो अब ऐसे केस में क्या किया जाए, आप क्या सोल्यूशन देते थे बताओ? हमने एक ऑनलाइन चैटबॉट बनाया। चैटबॉट मतलब क्या है, आपको कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पे डाल दो एंड द सिस्टम विल रिप्लाई टू यू, ऑटो जनरेटेड सिस्टम, वो चैट जीपीटी टाइप का। ठीक है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज डाल दीजिए, सिस्टम विल रिप्लाई टू यू। इससे क्या हुआ, हमारे जो आधे कॉल्स और आधी क्वेरीज थी ना वो कम हो गए। दूसरी बात, अब हमने देखा बच्चा कभी भी फ़ोन कर रहा है, अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सके, क्योंकि देखिए लॉजिक है यार, मेरे यहाँ पे जो बंदा वर्क कर रहा है तुम भलते प्रेशर में हो, अंडरस्टैंड सर मेरा सितंबर में अटेम्प्ट अभी तक मेरे बुक नहीं है, प्रेशर में तुम हो। जो मेरे पास ये बुक सेलिंग वाला बंदा है वो सीए नहीं कर रहा है ना, समझना इस बात को। तो ये प्रेशर को कैसे डाउन किया जाता है, हमने बोला यार ये देखो ये कभी भी उठ के कॉल कर रहा है, अब इसके लिए क्या सोल्यूशन बनाया जा सकता है, हमने सीधा वॉइस मैसेज को यूज़ करना चालू किया। After 7 PM, the technical department is not available. Kindly call tomorrow at 10:30. क्योंकि हम किस इश्यूज में थे, 10 मतलब 10, हमने बोला 10 को IVR करते वक्त कितना कर दो, 10:30, काम खत्म। अब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम देखो किस तरीके से सॉल्व हुई, यहाँ पे हमने सिर्फ छोटे छोटे टेक्निक्स को अपनाया ताकि हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम क्या हो सके, सॉल्व। अच्छा तीसरा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, देखिए बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, और मैं आपको रियल लाइफ के साथ जोड़ के बता रहा हूँ कि हाउ इकोनॉमिक्स हेल्प। अब क्या होता था, बहुत दूर दूर से ऑर्डर आता है, नागालैंड से ऑर्डर आता है, मणिपुर से ऑर्डर आता है, राजस्थान से ऑर्डर आता है, और कई जगह तो ऐसी है कि मतलब वो आपने कभी सुनी भी नहीं है, हमने भी कभी नहीं सुनी जेन्युइनली, ऐसी ऐसी जगह से ऑर्डर आता है। अब वहाँ से ऑर्डर आ रहा है, अब प्रॉब्लम समझिए क्या है, हमने भेज दिया काय से, हमारे नॉर्मल कुरियर से, राइट हमारे ट्रैकॉन से भेज दिया हमने। 5 दिन बाद पता चलता है कि ट्रैकॉन तो वहां डिलीवरी नहीं करता, ट्रैकॉन का वहां पे कुछ है ही नहीं। अब ऐसे केस में क्या किया जाए, अब ये प्रॉब्लम थी हमारे साथ, ऐसे केस में क्या किया जाए, हमारे साथ प्रॉब्लम थी। अब आप कोई सोल्यूशन दे सकते क्या, बताइए। अब इसका काम था कि भैया अगर तेरे पास नहीं है तो तू कैसे भेज, पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो कहीं पे भी है, कि भैया तू पोस्ट ऑफिस से भेज। पर इशू क्या था, ये पहले ऑर्डर लेके जाएगा, ये ऑर्डर लेके आएगा, फिर हम पोस्ट ऑफिस में लगाएंगे और फिर पोस्ट ऑफिस उसको भेजेगा। पर ट्रैकॉन वाले ने जो मेहनत की उसका तो बिल उसने जोड़ ही दिया। हाँ यहाँ ट्रैकॉन वाले ने जो मेहनत की उसका तो बिल उसने जोड़ ही दिया, पर मेरा मेरे को आउटपुट मिला क्या? फर्दर वो बच्चा ऑनलाइन जाके हर जगह, मैंने ऑर्डर किया था अब तक आया नहीं, इज दिस द सर्विसेज, व्हाट इज द काइंड ऑफ दिस सर्विसेज, सो ऑन एंड सो फोर। ट्विटर यूजर है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कर लिया उसने। अब क्या होता है जरा समझिए, बताइए हमने क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए था। मैंने एक दिन देखा कि यार हमारा टेक्निकल टीम भी इससे परेशान है, मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ से, क्योंकि बच्चा ऐसी जगह का पिन कोड डाल रहा जो शायद ट्रैकॉन के पास नहीं है या हमें ही पता नहीं है। हमने बोला यार इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, तो एक दिन मैंने ट्रैकॉन वाले को बुलाया, मैंने बोला मेरे को ये बताओ आप किधर किधर डिलीवर करते हो, तो बोले सर अपन तो इंडिया भर में डिलीवर करते हैं। बोला अच्छा, उसको पूरे महीने का रिपोर्ट निकाल के दिखाया, मैं बोला 372 ऐसे पार्सल है जिनको डिलीवरी नहीं हुई और आपने इसका मेरे को कॉस्ट लगाया है, अब इसका क्या? तो बोले सर, मैं बोला अगर पूरे इंडिया भर में डिलीवरी थी तो ये डिलीवरी क्यों नहीं हुई, मेरे को एक्सप्लेन करो। मराठी में कहते हैं ना, बाप दाखाओ नहीं तो श्राद्ध कर, है ना भैया कुछ तो बता ऐसा क्या हुआ है। आपने बोले सर वो शायद है ना उन पिन कोड पे हम से यू नो डिलीवर नहीं करते होंगे। मैंने बोला एक काम कर,
मेरे को कल तेरे कंपनी से पिन कोड निकाल के दे कि कितने पिन कोड्स पे तुम डिलीवर करते हो। और मैंने बोला यार ये ट्रैकॉन वाले से काम नहीं होगा, एक और काम करते हैं अपन दो लोगों को और हायर करते हैं। मैंने DTDC भी बुलाया, मैंने बोला DTDC आओ। बोले यस सर। अब मेरे पास पहले का एक्सपीरियंस था, मैंने सबसे पहली चीज़ क्या मांगी होगी, मैंने बोला पिन कोड बता तो कितनों को डिलीवर करता है, बराबर है। अब मैंने बोला देखो यार मैं ये ऑप्शन मेरे से हटा के अगर सीधा बच्चे को ही दे दूँ तो आज जो वो मेरे ऊपर डाल रहा है कि तुमने पार्सल नहीं भेजा, तुम्हारे तरफ से डिले हो रहा, तुम्हारा कुरियर वाला सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैंने बोला ये लफड़ा मैं मेरे ऊपर करूँ उससे बेटर ये लफड़ा मैं किसी और को दे दूँ ना। मैंने क्या किया, मैंने मेरे वेबसाइट पर चेंज करवाया, मैंने मेरे वेबसाइट पर चेंज कराया। अब मैंने उस बच्चे को दिए 5 ऑप्शन। सबसे पहले पिन कोड डालेगा, जैसे ही वो पिन कोड डाला वैसे ही उसको नीचे दिखने लग जाएगा ऑप्शन कहाँ कहाँ डिलीवर होता है, क्योंकि हमने ये हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया कि भैया बताओ कहाँ कहाँ ये डिलीवर हो सकता है। तो अब मान लो एक सिटी आती है लेट से मेड़ता राजस्थान, तो मेड़ता राजस्थान में कौन कौन डिलीवर करने के लिए रेडी है, DTDC भी हाँ बोल रहा है, ट्रैकॉन भी हाँ बोल रहा है, पोस्ट भी हाँ बोल रहा है। अगर मान लो उस जगह का ऐसा पिन कोड है जहाँ DTDC भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक उस बच्चे को एक ही ऑप्शन आएगा, पोस्ट। समझ में आई बात? तो इससे हमारा जो बिजनेस बर्डन था ये क्या हो गया, कम। और हमारे पे उठने वाली जो उंगलियां थी और जो क्वेरीज थी वो कम हो गई, क्योंकि अब देख DTDC इसने सिलेक्ट किया, गलती मेरी थोड़ी ना। तू बात समझ, ये हमारे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस है बिजनेसेस में कि भैया यू नो किस तरीके से वर्कआउट होता है। अब इसने अगर सिलेक्ट किया, अब इसने पोस्ट सिलेक्ट किया तो पोस्ट तो अपनी स्पीड में ही आएगा ना, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा, अगर इसने ट्रैकॉन सिलेक्ट किया, अब मेरे को क्लियर कट पता है ट्रैकॉन वहाँ डिलीवर करता है शॉर्ट शॉर्ट डिलीवरी होगी, मुझे पता है कि DTDC वहाँ डिलीवर करता है शॉर्ट शॉर्ट डिलीवरी होगी। दैट्स हाउ बिजनेस इज नॉट अ सिंपल थिंग। मेरे को पहले लगता था इसने बुक ऑर्डर की, बुक अपन डिलीवर कर देंगे, लेकिन इस बीच जो ये कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक्स प्रोसेस आए, इससे न्यू टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास आई और हमने अब वो प्रोसेस करना चालू कर दिया। एंड इस प्रोसेस से आप बिलीव करेंगे आप, एक महीने के अंदर में हमारी 300+ क्वेरीज मात्र 28 क्वेरीज पे आ गई। 300+ क्वेरीज, सिर्फ दो छोटे स्टेप्स हमने लिए, 372 क्वेरीज हमारी 28 क्वेरीज पे आ गई। और वो 28 क्वेरीज भी जब से हमने वो IVR चैटबॉट लॉन्च किया वो आ गई 10 पे। मतलब अब हमारा जेन्युइन सिर्फ 10 का इशू है जिसका कुछ ना कुछ इशू है। अब ये इशू क्या है जरा समझिए, ये इशू क्या है, अब इसके लिए हमको कुछ वर्कआउट करना। और मैं चाहता हूँ आप कुछ प्लीज सजेस्ट करें। कई बार बुक जाते जाते सर बुक गिल्ली आई है, अब बारिश का सीजन है वो मेरे हाथ में थोड़ी ना, सर बुक गिल्ली आ रही है, सर बुक का पार्सल फटा हुआ है, सर इसमें से कुछ मिसिंग तो नहीं, मेरा पार्सल आधा फटा हुआ है। अब देखिए जब ट्रांसपोर्ट होता है तो कुछ ना कुछ तो फटता है, आप उसको शॉर्ट शॉर्ट करके नहीं बेच सकते। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके लिए क्या किया जाए? अब मैं आपको छोड़ता हूँ डिसीजन मेकिंग, बताइए। वेरी गुड, पहला सॉल्यूशन प्लास्टिक रैपिंग। अब बुक को ही प्लास्टिक रैप कर दो और उसको फिर सेकेंड पार्सल के अंदर में डालो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोडक्ट वहां तक सेफ ही पहुंचेगा, वो गिल्ला नहीं होगा कभी। पर देयर इज अ क्वेश्चन, इससे मेरा पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रहा है ना। इकोनॉमिक्स में हमें सब एंगल समझने पड़ेंगे, डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बताओ क्या करूं भाई, मेरा तो कॉस्ट बढ़ रहा है ना, इससे एक्स्ट्रा चार्ज ले तो मैं कॉम्पिटिटिव नहीं रहता। ई बुक्स हम लोग डिलीवर कर दे पर बच्चे को तो फिजिकल में ही मजा आता है। आप सोचो ना, आपको फिजिकल में मजा आएगा कि ई में मजा आएगा? देखा, तो खुद बोल दिया फिजिकल में ही मजा आएगा, ई से काम नहीं होता। ई का ऑप्शन तो हमारे पास सबके पास है ना, पर वो वर्केबल सॉल्यूशन नहीं है ना। समझ रहा है क्या आपको बात? हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम जो आउटर पैकेज सिलेक्ट करते थे ना वो ज्यादा कॉस्टली था। अब अगर प्लास्टिक रैप नहीं किया तो बुक खराब हो जाए और उसका लॉस अल्टीमेटली हमको बेयर करना पड़े। तो हमने डिसीजन क्या लिया, हमने बोला यार एक काम कर सकते हैं, हम जो माइक्रॉन यूज कर रहे थे प्लास्टिक का जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही है, हमने बोला इससे एक लेस माइक्रॉन भी आता है क्योंकि हम ऑलरेडी उसको कवर करके भेज रहे हैं। तो हम अगर आउटर कवर के अंदर में जो झगमग लगा रहे थे, हमने बोला हम ये क्यों लगाए। एक्चुअली हम जो यूज कर रहे थे ना वो प्रिंटेड ये था, क्या बोलते थे, प्रिंटेड कवर था। हमने बोला अब हमारे को प्रिंटेड कवर की जगह, हमने बोला मार्केटिंग भी करनी है पर प्रिंटेड कवर भी नहीं चाहिए क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है। हमने क्या किया, सेलो टेप को हमारा मार्केटिंग कर दिया, वो किया, उसके बाद में उसको सेलो टेप मार दिया। अब सेलो टेप की ब्रांडिंग
हमारे लिए वही ब्रांडिंग का रोल प्ले कर रही है विथ लेस कॉस्ट. तो आपने क्या किया, नई टेक्निक्स लगाई बिजनेस डिसीजंस करते वक्त, ताकि आपके ओवरऑल कॉस्ट भी क्या हो जाए, सेम. समझ में आ रही बात? सो इन अ बिजनेस यू हैव टू टेक दिस स्मॉल 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 थिंग. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे को बुक प्रिंट, अब हमारे को यू नो थैलियों का प्रिंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पता है थैली फटने ही वाली है. मैंने बोला देख फटेगा तो थैली भी और फटेगा तो वो नहीं नहीं सेलो टेप भी. पर मैंने बोला इट्स ओके ना, हमारे को जो पर्पस है कि ब्रांडिंग होनी चाहिए वो तो डेफिनेटली हो रही है, तो चलो सेलो टेप को यूज करके ब्रांडिंग करते हैं. हमने सेलो टेप को यूज करके क्या कर दिया, ब्रांडिंग करना चालू कर दिया. एंड दैट इज हाउ वी डिड द सेम थिंग एट अ लोअर कॉस्ट. वी डिड द सेम थिंग एट अ लोअर कॉस्ट एंड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग. बट वॉज इट अ सिंपल प्रोसेस? नो. पूछो क्यों? जहां हमने ये डिसाइड किया कि हाँ हमारे को वो प्रिंटेड सेलो टेप्स को यूज करना है, कलर कौन सा होना चाहिए, सेलो टेप्स पे लिखा क्या होना चाहिए, कहाँ से हम लोग प्रिंट करवाएं, अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब मुझे क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होगी कॉस्ट कम करने के लिए, बराबर है कि नहीं है? तो उतनी क्वांटिटी ले लूँ तो कहीं उसका ग्लू तो खराब नहीं हो जाए. भाई मैं तो सेलो टेप ले रहा हूँ ना, उसका ग्लू तो खराब नहीं हो जाएगा. दूसरी बात, मैं इतनी क्वांटिटी में किसी को ऑर्डर कर रहा हूँ, अगर उसी ने गलती कर दी तो मेरा और लॉस हो जाए. तो इट इज अगेन आपको बहुत सारे प्रोसेसेस क्या करने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं. वो कहते हैं ना पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है, तो आपको ऐसे छोटे 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 स्टेप्स को फुलफिल करते हुए चलना होता है. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रिफर्ड एज, बोलो बेटा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जनरली रिफर्स टू एज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरी विथ बिजनेस प्रैक्टिस. अब आप देखिए ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये हम मैनेजरियल काम ही तो कर रहे हैं, हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, हम ये मैनेजरियल काम ही कर रहे हैं. ये सुनो, बैठ करके सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को हाँ तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, हम सिर्फ मैनेजरियल वर्क ही कर रहे हैं. वाइल द थ्योरी इकोनॉमिक्स प्रोवाइड टूल्स विच एक्सप्लेन वेरियस कंसेप्ट्स सच एज डिमांड, कॉस्ट, सप्लाई, कॉम्पिटिशन एट्सेट्रा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मल्टी डिसिप्लिनरी. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मल्टी डिसिप्लिनरी. अब आप मुझे बताइए सेलो टेप का साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट इससे भी चेंज होती है. सेलो टेप का साइज क्या होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कितने चाहिए, एवरी कलर यू एड देर इज अ कॉस्ट. तो ये सब एक 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 और ये मल्टी डिसिप्लिनरी है. फिर हमारे को समझ में आता है डार्क कलर यूज किया तो कॉस्ट इतनी रहती, लाइट कलर यूज किया तो कॉस्ट इतनी रहती. इट्स नॉट अबाउट कलर, इट्स अबाउट द वेरिएशन ऑफ कलर. अब ये चीज़ें तो हमारे को इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई नहीं ना, ये तो जो भी है ये मल्टी डिसिप्लिन है कि आपको ये समझ में आ रहा है. फिर पॉलीथीन आपको इसी माइक्रोन की यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट का ये रेगुलेशन है. फिर उसके अंदर में कितना वेट ये सहन कर सकती है, कितना वेट ये सहन नहीं कर सकती, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है. सो इट हैज़ क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरीज, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग. इसमें सब आ गया, ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग भी आ गया, स्टैटिस्टिक्स भी आ गया, मैथमेटिक्स भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, एंड एट द एंड डिसीजन मेकिंग भी आ गई. अ प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिक हैज़ टू इंटीग्रेट द कंसेप्ट एंड मेथड फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज प्रैक्टिकल मैनेजरियल प्रॉब्लम. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली वैल्यूएबल टू बिजनेस डिसीजन मेकर बट ऑल्सो यूजफुल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. इट इज ऑल्सो यूज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. इज इट ट्रू? यस, इट इज ऑल्सो यूज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. पूछो कैसे? आपको बताए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, आप यहाँ से प्रसाद या लड्डू भी ऑर्डर कर सकते हैं. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, इंटरनेट चल रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, आज भारत का सबसे अमीर मंदिर. हम इनके वेबसाइट पे जाते हैं और कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ. ठीक है, गोविंदा गोविंदा. अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यार मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ तो सर्विसेज चाहिए, बराबर है. अब मैं बोलता हूँ कि चलो हम कोई प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, TTD से हम कुछ प्रोडक्ट्स बाय करते हैं. अब देखिए मैं कोई पब्लिकेशन वाली चीज़ बाय कर लेता हूँ कि हाँ इनका कुछ पब्लिकेशंस है, मैगजीन्स है, ऐसा कुछ बाय कर लेता हूँ. लॉगिन इज रिक्वायर्ड, ओके. तो अंडरस्टैंड, अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ बाय करनी है, मतलब प्रैक्टिकली मैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रोडक्ट पैसे दे रहा हूँ, बट क्या इकोनॉमिक्स उनके लिए भी इतना ही रिलेवेंट होगा? वो भी तो गुड्स मेरे को TTD से कहाँ भेजेंगे, पुणे. उनके लिए भी तो ये सारे डिसीजन उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जितने मेरे लिए है. भाई अल्टीमेटली हम सेल तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं दोनों के दोनों,
वन इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, अनदर इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट द एक्टिविटी और द इकोनॉमिक एक्टिविटी मस्ट रिमेन सेम. तो आपको नहीं लगता उनके लिए भी इकोनॉमिक डिसीजन उतना ही रिलेवेंट है जितना मेरे लिए है? अगर मैं यहाँ से कोई स्पेसिफिक सर्विसेज मंगाता हूँ, जैसे आपको पता है टीटीडी से आप लड्डू मंगा सकते हैं, टीटीडी से आप अगरबत्तियाँ मंगा सकते हैं. अगरबत्तियाँ कैसे, जो फूल भगवान को चढ़ते हैं इससे वो लोग अगरबत्ती बनाते हैं और वो अगरबत्ती आप बाय कर सकते हो. तो टेक्निकली इट्स अ काइंड ऑफ अ वेस्ट मैनेजमेंट. तो उनके लिए जो फूल वेस्ट है, देखो इसके लिए कंपनी भी है. मैं आपको बताता हूँ ये कंपनी ना बहुत गजब बिजनेस कर रही है, ये कंपनी बहुत गजब बिजनेस कर रही है. फूल, इसका नाम है फूल, राइट. इतना गजब बिजनेस है, वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस इन्होंने किया है, मेड फ्रॉम टेम्पल फ्लावर्स. उत्तर प्रदेश में दो लोगों ने मिलकर के क्या किया, एक बिजनेस चालू किया. उन्होंने बोला यार ये जो फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, ये फूल का बाद में होता क्या है, अल्टीमेटली ये वेस्ट ही होते हैं, बराबर है. उन्होंने बोला क्यों ना हम इस फूलों को पकड़े और इससे अगरबत्तियाँ बनाना शुरू करें, इंसेंस स्टिक्स बनाना शुरू करें. तो इन्होंने क्या किया, कई मंदिरों के साथ टाई अप किया. इनके यहाँ जितने फूल बनते थे, जितने फूल चढ़ते थे, ये चढ़ने के बाद सब होने के बाद मंदिर को बोला कि भैया आप ये फूल हमको दे दीजिए. ये फूल लेने के बाद इन्होंने कलेक्शन सेंटर बनाया, जितने मंदिरों से फूल कलेक्ट होंगे सब एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसको सॉर्ट किया जाएगा. सॉर्टिंग मतलब गुलाब अलग कर दिया, गेंदा अलग कर दिया, अलग अलग फूल अलग कर दिया, फिर इसको क्रश किया, इसके अंदर में मिक्सचर मिला और आपने क्या बनाई, अगरबत्ती. ये अगरबत्ती हाल फिलहाल में हाई सेल प्रोडक्ट है ऑनलाइन, कोई फिजिकल स्टोर नहीं, ओनली ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर बेचे जा रहे हैं और ज़बरदस्त प्रॉफिट. वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट. आप देखो कौन कौन से नहीं है, मैं आपको बताता हूँ. देखो बद्रीनाथ कलेक्शन, बद्रीनाथ के बाद अयोध्या कलेक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक से एक प्रोडक्ट. और रिसेंटली देखो केदारनाथ गोविंद गुलाब इंसेंस स्टिक्स, एक एक मंदिर का चीज़ उठाना और इससे एक एक प्रोडक्ट बनाते जाना. वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट है, पर कंपनी का प्रॉफिट मल्टी फोल्ड बढ़ रहा है, क्योंकि एक लोगों की आस्था भी जुड़ी है, दूसरा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोल रहे हैं यार इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं दूसरी अगरबत्ती लूँ जिसमें बाम्बू एंड चारकोल यूज होगा जो अल्टीमेटली मेरे को ही कैंसर एजेंट बनाएगा. आप यहाँ पे देखोगे भी दैट इट इज़ चारकोल एंड अदर रेजिस्टेंस. ये देखो ये पूरा प्रोसेस बता रहे कैसे लेकर के आते, कैसे एक जगह सॉल्ट किया जाता है इसको, ये देखो अलग अलग जगह से उठाया जाता है, उसके बाद एक जगह ला करके इसे पूरा सुखाया जाता है. खुद इनसाइडर बता रहे हो. तो जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो बोलता है यार मैं यू नो 20-30 रुपए ज़्यादा दे करके मैं नेचर को भी सेव कर रहा हूँ ना एट द सेम टाइम. दूसरी बात मेरे को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्योर नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा. यस, ये देखो इस तरह से पूरी की पूरी अगरबत्ती बनाई जाती है. अब बताओ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और टीटीडी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, पर क्या इकोनॉमिक्स दोनों को यूज़ हो रहा है? यस, मजा आ रहा है कि नहीं प्रैक्टिकली पढ़ के? तो बिजनेस इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस इकोनॉमिक इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एट इट इज एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टिव क्वांटिटेटिव टेक्निक सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. तो भैया इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें यूज होती है. अब जैसे रिग्रेशन एनालिसिस अ कंसेप्ट ऑफ मैथ्स, कैपिटल बजटिंग या ब्रेक इवन एनालिसिस जो आप इंटर में पढ़ेंगे ये भी इसके साथ में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. इज दैट डन? आओ जरा लिखेंगे थोड़ा बहुत. Give the next heading, decision making. Decision making is important. Is important because the resources are limited and we must complete maximum want with limited resource only.
डिसीजन मेकिंग इज सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स. Decision making is a careful analysis of all aspect of product. Decision making is a careful analysis of all aspect of the product. Decision making can be short term or long term. Decision making shall be at all level, corporate level, business level, functional level. Rather, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. पहला कौन सा decision था? Strategic, tactical, operational. Is it done? Economics is required by every person or it is applicable only to specific person? Every person? Economics is applicable to all person, government / non-government. Economics is required to individual, household, public, government at all level. Economics is applicable to profit making / non-profit making organization.
सर जी डन। सर जी डन। डन यहां तक का सब क्लियर है मलिक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो नेचर हम सभी जानते हैं, खैर एक है माइक्रो दूसरा है मैक्रो, ऐसे दो ही तरीके है, बोलो हाँ राइट। व्हेन आई टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल यूनिट, तो एक आदमी के इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स राइट। यही अगर मैं सारे के सारों की बात करूँगा तो ये क्या हो गया मैक्रो राइट। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट एक व्यक्ति के इनकम की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति के एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में, येस और नो। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट, यस माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ इंडिविजुअल यूनिट। यही मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ एग्रीगेट यूनिट, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ एग्रीगेट यूनिट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या होता है सर, हम लोग ओवरऑल फेनोमेनन कवर करते हैं, एग्रीगेट फेनोमेनन कवर करते हैं, किसी एक आदमी के प्रॉफिट की नहीं, हम एग्रीगेट प्रॉफिट की बात करते हैं, पूरे इंडस्ट्री की बात करते हैं, येस और नो। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, करेंसी वैल्यू, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक किसके अंदर में आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो, ओनली माइक्रो ओनली मैक्रो, मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो। अब ये मोर ऑफ माइक्रो क्यों है पूछो ना बेटा, ये मोर ऑफ माइक्रो इसलिए है क्योंकि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करनी है, लुकिंग टू द होल परस्पेक्टिव, यस और नो। इसीलिए ये मोर ऑफ माइक्रो है बट लेस ऑफ मैक्रो है। ऐसा नहीं है कि मैक्रो है ही नहीं, मैक्रो है बट बहुत छोटे लेवल पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो माइक्रो इकोनॉमिक इज बेसिकली द स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। हियर द फोकस इज ऑन स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप और यूनिट्स रादर देन ऑल यूनिट्स कंबाइंड। तो किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान होता है। सो लेट्स से अगर मैं बात करूँ एबीसी लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है, तो एबीसी लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है, एबीसी लिमिटेड का खर्चा कितना है, एबीसी लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये सारी चीज़ें अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो एस्पेक्ट। मैं बात करता हूँ लेदर इंडस्ट्री में प्रॉफिट कितना है, लेदर इंडस्ट्री इंडिया के जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, इंडिया के जीएनपी के अंदर में लेदर इंडस्ट्री कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेशनल इनकम कितना है, लेदर इंडस्ट्री कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, अगर मैं इस टॉपिक्स पर बात कर रहा हूँ मतलब मैं बात कर रहा हूँ मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेन और इकोनॉमी एज अ होल रादर देन इट्स इंडिविजुअल parts. According to macroeconomics, we study the behavior of large economic aggregates, national income, price level, external value of currency, etc. While business economics is basically concerned with microeconomics, macro analysis also has got an important role to play. So business economics is not just micro, not just macro, it is more of a micro and less of a macro. Aa jao bhai sahab, ये भी लिख दो। टाइप ऑफ इकोनॉमी,
इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल यूनिट, इट टॉक्स अबाउट एग्रीगेट यूनिट. It is narrow, it is wide. Product price, factor price, individual income. Is considered in micro. मेरी handwriting सुधर गई है ना? अच्छा अच्छी तो handwriting है ना? GDP, GNP, world economy is considered in macro. Business economics is more of micro and less of macro. Considered है वो combined नहीं. What is the basic problem of economy? Human wants are unlimited and resources are scarce. So B economics, that is business economics, is more of micro and less of macro. Done ji. The basic problem of economic oblique fundamental problem of economy. Human wants are unlimited and resources are scarce. Is that done? चलिए जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ फीचर्स को भी देख लेते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्या क्या फीचर्स है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स एक ही चीज होती है ना? अगर मैं कहता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये दोनों सेम ही चीज़ होंगी या अलग अलग चीज़ होंगी? अच्छा सेम ही होंगी क्या अलग अलग? अच्छा हाउ मेनी पीपल सेम ही है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स? वेरी गुड. हाउ मेनी पीपल अलग अलग है? और जिनने हाथ नहीं उठाया उनके कहाँ बिजी है? अरे मतलब जिनने हाथ नहीं उठाया कुछ तो कर रहे होंगे ना? हो सकता है पेन पकड़ के लिख रहे हों, कुछ तो कर रहे हो ना? हाँ जी सर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है. पूछो क्यों? फीचर्स मतलब कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसा होना चाहिए. जब आप फोन लेने जाते हैं आप ये पूछते हैं क्या, सर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मोबाइल?
क्या पूछते हैं आप? फीचर्स मतलब इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसा होना चाहिए, बराबर है कि नहीं है, राइट? जैसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर, तो आप क्या क्या रिप्लाई करेंगे, है ना? फिर आप बोलोगे कि हाँ सर स्मार्ट होना चाहिए, क्लास ज़्यादा ना ले, है ना, जल्दी छुट्टी दे, 4 बजे को लेक्चर को 3:30 बजे ही छुट्टी दे दे, मजे ही मजे, है ना? हम बोल रहे हैं पढ़ाओ, वो बोल रहा है छोड़ो पढ़ाई मस्ती करो, मजे ही मजे, यस और नो? टेस्ट के अंदर में खुद होके 10 में से 10 मार्क दिए जा रहे हैं, मजे ही मजे, हमारे घर वालों को फ़ोन करके बोल रहा है ये तो कन्फर्म पास हो जाएगा, मजे ही मजे, बराबर है कि नहीं है? ऐसा कुछ होना चाहिए ना, मिलते कैसे, समझ में आया? तो अंडरस्टैंड, हम बात करने जा रहे फीचर्स मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है। पहला, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, अंडरस्टैंड, ये सबके समझ में नहीं आता, ये कुछ ही लोगों के समझ में आएगा। और दूसरा, साइंस क्यों माना जा रहा है, क्योंकि हम इसमें कई लॉजिकल चीज़ों को यूज़ किया जाता है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग को यूज़ करते, राइट? आप मैथ्स का सहारा लेते हो टू प्रूव सर्टन थिंग्स, राइट? तो इसी के लिए उसे क्या माना गया है, साइंस माना गया है। यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट द टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग सच एज मैथमेटिक्स। अब जैसे उसने हमको बोला था कि सर एक काम कर लो, आप रैप करके भेज दो बुक को, हमने उसके बात को माना या नहीं माना, बट हमने क्या ब्लंडली उसकी बात को मान लिया, क्योंकि मैंने आपसे तुरंत नेक्स्ट सवाल पूछा, भैया बैक करने का कॉस्ट भी तो मेरा ही कॉस्ट लग जाएगा, उसके बाद क्या? तो अगर एक तरफ से कॉस्ट बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ से हम कॉस्ट कम करेंगे, एंड दैट इज यूज ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है। सो यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट द टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग सच एज मैथमेटिक्स इकोनोमेट्रिक्स विथ इकोनॉमिक्स। इट इज बेस्ड ऑन मोस्टली द माइक्रो। देखिए, बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे को किसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, एक इंडस्ट्री या एक कंपनी के ऊपर फोकस करना पड़ता है। बट उस चीज़ पे फोकस करते वक्त हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि हम बाकी किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे? टैक्स रेट क्या चल रहा, इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा, हम क्या बाकी चीज़ों को देखेंगे नहीं क्या? बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स को देखना ही बंद कर देंगे क्या? नहीं। तो ऐसे केस में बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिंस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न मोर विद द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट, इट रिलाइज हैविली ऑन द टेक्निक्स ऑफ माइक्रो। यस, इट इज मोर बेस्ड ऑन माइक्रो एंड लेस बेस्ड ऑन मैक्रो, बराबर बात है, बट इट इज देयर विथ बोथ, ऐसा नहीं है सिर्फ माइक्रो है या सिर्फ मैक्रो है। थर्ड, इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। अ बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंट। आप बताइए, बिजनेस में एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अफेक्ट होता है क्या? हाँ या हाँ? एग्जाम्पल बोलो। पहला, पॉलिटिक्स, ये सुनो, हम कहते हैं सोशल पॉलिटिकल रीजंस के कारण आपका बहुत कुछ अफेक्ट होता है। पहला रीजन होता है सोशल, ये सुनो, पहला रीजन क्या होता है? सोशल, लोगों की सोच, लोगों की मेंटालिटी को लेकर के आपका बिजनेस बड़ा चेंज होता है। जैसे दिवाली के टाइम पे लोग अचानक पूजा के सामान लेने चले जाते हैं, साल भर नहीं लेंगे साहब, सोशल चीज़ें, भैया दिवाली है तो एक कैंडल होना चाहिए घर के बाहर, फटाके होने चाहिए, पूजा होनी चाहिए, नए कपड़े होने चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सुनो, अपने अपने त्योहारों के हिसाब से। तो अंडरस्टैंड करो क्या हुआ, आपने सोशल रीजन को। दूसरा, टेक्निकल रीजंस के कारण भी चेंज होता है, नया टेक्नोलॉजी आती है, हम मोबाइल लेते नहीं लेते, यस और नो? नया टेक्नोलॉजी आती है, हम मोबाइल लेते, जबकि हमारा एग्जिस्टिंग मोबाइल बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ज़बरदस्ती ये लेके आए, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं है, दोनों भी लेकर के आ गए। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा क्या हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी चेंज का नतीजा है। आईपैड हम लोगों ने चेंज किया, टेक्नोलॉजी चेंज का नतीजा है। तीसरा, पॉलिटिक्स, सोचिए ना सर, एक बिजनेसमैन की शादी जिसमें सारे पॉलिटिक्स आ गए, तो पॉलिटिक्स डू हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, तभी आया होगा ना दोनों के बिजनेस पे, समझ में आएंगे नहीं? ऐसे ही थोड़ी ना आ जाते यार, तुम्हारी मेरी शादी में इन्वाइट करो आता क्या कोई? कोई नहीं आता, हमारे रिलेटिव नहीं आते, बोले 500 रुपये देने पड़ेंगे, हट कैंसल, बराबर है? बट उधर सब आए, 2 साल से चल रही शादी, 2 साल से सब हर प्रोग्राम में अटेंडेंस दे रहे, हाँ या ना भैया? इट अफेक्ट्स, पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और क्या रोल प्ले करता है बताओ? लीगल, टैक्सेस, आपका प्रोडक्ट
0% जीएसटी में था, आपके प्रोडक्ट को 5% जीएसटी में ला लिया, 10% जीएसटी में ला लिया, वेदर इट एक्सटर्नल इशू, अभी आपके कारण तो बड़ा नहीं है बट एक्सटर्नल रीजन के कारण क्या आपके बिजनेस के अंदर में फर्क पड़ रहा है दोस्त? येस और नो? टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट 30% से 25% कर दिया, बताइए वेदर इट विल अफेक्ट योर बिजनेस एज वेल? यस, ये आपके बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेगा. सो द बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स सच एज द जनरल प्राइस लेवल, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट. इंटरेस्ट रेट से क्या अफेक्ट पड़ेगा? अगर लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% टू 12% हो जाते हैं तो क्या आपके बिजनेस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा. यस, यही 8% से 6% पे आ जाते हैं तो भी आपके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट. यस, फॉरेन करेंसी के रेट चेंज होते हैं, अब आप मुझे बताइए फॉरेन करेंसी के रेट चेंज होते हैं तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा? अब जैसे इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इनके बहुत सारे एसेट्स फॉरेन के अंदर में होल्डेड है. अब जैसे ही अब लोन फॉरेन के अंदर में होल्डेड है तो इनको जो रीपेमेंट करना पड़ेगा वो हायर वैल्यू पे करना पड़ेगा ना यार. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इनको जो रीपेमेंट करना पड़ेगा, सो अंडरस्टैंड करके चलिए, इन्फोसिस ने अगर बैंक ऑफ चाइना से लोन लिया होगा और फॉरेन करेंसी का रेट इंक्रीज हो गया तो जो अमाउंट है वो तो ज़्यादा लगेगी ना रीपेमेंट के टाइम पे. येस ओ नो? तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस एज वेल. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट एज इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम किसी भी चीज़ को आर्ट कब कहते हैं? जब उस इमेजिनेशन को हम प्रैक्टिकली उतार के रख दे. येस ओ नो? राइट. तो मान के चलिए टाइटैनिक ने ड्राइंग बनाई थी, पता है आप लोग को? राइट. उसने इमेजिनेशन को क्या किया था? पेपर पे उतार दिया था. दैट्स एन आर्ट. सो सिंस इट इन्वॉल्व द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर अटेनमेंट ऑफ द सेट ऑब्जेक्टिव, इट यूज द थियरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. द बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूज द थियरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. इट यूजेज द थियरी ऑफ द फर्म एंड रिसोर्स एलोकेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी. अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम यही बात देखते हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से हर डिसीजन को देखना. किस एंगल से देखना बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से हर डिसीजन को देखना कि भैया इसमें प्रॉफिट होगा या इसमें लॉस होगा. तो इन द बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट इकोनॉमी हम हर डिसीजन को एनालाइज करते हैं, इज इट प्रॉफिटेबल और इज इट अ लॉस मेकिंग डिसीजन मेकिंग. इट इज प्रैग्मैटिक इन अप्रोच. व्हाट इन अप्रोच? प्रैग्मैटिक इन अप्रोच मतलब प्रैक्टिकल इन अप्रोच. अब बिजनेस इकोनॉमिक्स तो सिर्फ थ्योरी में नहीं पढ़ते, आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करते हैं. जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होने वाली चीज़ है. लॉ ऑफ डिमांड पता है आपको क्या करता है? इफ द प्राइस गोज अप द डिमांड गोज डाउन. तो जब भी कोई प्राइस बढ़ाता है ना वो ये जरूर एनालाइज करता है कि भैया इस प्राइस इंक्रीज का मेरे ऊपर क्या फर्क पड़े. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस प्राइस इंक्रीज का मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा ये वो जरूर एनालाइज करता है. एंड दैट इज वॉट वी कॉल्ड इट एज प्रैग्मैटिक इन अप्रोच. इन कॉन्ट्रास्ट बिजनेस इकोनॉमिक इज प्रैग्मैटिक इन इट्स अप्रोच एट इट टैकल्स द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन विच द फर्म फेस इन द रियल वर्ल्ड. इट इज इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर. अब आप मुझे बताइए सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ के काम चल जाएगा क्या? नहीं, आपको अकाउंट्स भी ध्यान में रखना होगा, लॉ भी ध्यान में रखना होगा. जब आप एक बिजनेस करते हैं तो सिर्फ एक पार्ट से आपका काम नहीं होता. अभी जैसे अगर मेरे को एकत्वम चालू करना है, मेरे को हर लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा भाई. पहला, मुझे अप्रोप्रिएट स्पेस एनालिसिस का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि कभी यहाँ पे घुटन ना हो जाए. तो उस हिसाब से मेरे को नंबर ऑफ़ एसीज लगाने पड़ेंगे, उस हिसाब से मेरे को स्पेस थोड़ा सा खाली छोड़ करके रखना पड़ेगा. यस और नो? मेरा बस चलता और अकेडमी चलता तो मैं तो हमेशा दिमाग लगाता, यहाँ तक के बेंच खींच डालता मैं तो. बात समझना? बट हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है. तीसरी बात, हम स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, हमें हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर्स रखने पड़ते हैं. तो एकत्वम के अंदर में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा के रखे क्लासेस के अंदर में कि नहीं यार कुछ भी अगर ऐसा कोई भी घटना होती है तो हम उसके अंदर में कुछ एक्शंस ले सके. फिर आपको मल्टीपल डोर एग्जिट देना पड़ता है कि भैया मल्टीपल डोर एग्जिट की अगर कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है या कोई गैस भर जाता है या ऐसा कुछ होता है तो आपके पास मल्टीपल एग्जिट्स ज़रूरी हो, आप निकल पाएँ, एग्जिट दे पाएँ. ये सब लॉ है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं. इसके अलावा लेबर लॉज हम लोग को फॉलो करने पड़ते होंगे. येस और नो? टैक्सेशन लॉज हम लोग को फॉलो करने पड़ते होंगे, बिजनेस लॉज हम लोग को फॉलो करने होते होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. रिसोर्स एलोकेशन. बिजनेस इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ एडवांस टूल्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग अनेबल द फर्म टू अराइव एट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये एक जगह जरूर हेल्प करता है, एक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. में इसमें 1000 रुपीज़ है तो आप इसको किस तरीके से एलोकेट करें सो दैट इट गेट्स द बेस्ट यूज. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉफिट एनालिसिस, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन.
अभी जो हम लोगों ने डिसीजंस लिए, हमारा ट्रैकॉन का पार्सल चले जाता था, फिर आता था, उसमें हमारे को कॉस्ट तो लग जाती थी लेकिन पर्पस सॉल्व नहीं होता था। तब जाके हमने क्या किया, एक बिजनेस डिसीजन लिया, एक कैपिटल डिसीजन लिया। कैपिटल डिसीजन क्या लिया, हमने हमारे वेबसाइट को चेंज किया पैसे लगा करके, कि वो खुद सेंस कर ले कौन कौन सा पार्सल किधर किधर जा सकता है, खत्म। तो हमने भी कैपिटल डिसीजंस लिए, वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया। यस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। बिजनेस फर्म्स जनरली ऑपरेट अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हेल्प्स द बिजनेस इन अराइविंग एट एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। हम हर टाइम पे एक और चीज़ देखते हैं, अनसर्टेनिटी, ये होने के पूरे चांसेस है, राइट? तो उस टाइम पे क्या किया जा सकता है, उस चीज़ का एनालिसिस हम लोग करते रहते हैं। एंड दैट्स व्हाट फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज। चलो भाई लिखो और ख़त्म करो, बहुत छोटा सा पार्ट है। फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। एनीवन, कुणाल पवार हियर? क्लास में है कोई बैठा हो? कुणाल हो भैया? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट, every economy has different way to adopt the things, business economics is based more on micro and less on macro. It is pragmatic in approach, that is practical in approach. It is helpful in capital decision making. And investment planning. Business economics include risk and uncertainty analysis.
धनंजय जी सर, आपकी हैंडराइटिंग दर्शन सर से तो अच्छी है, थैंक्स। मैं जलेबियां नहीं बनाता। डिग्री ने भी तुम्हारे को लिखाना चालू कर दिया ना? पहले दिन से लिख रहे हो तुम लोग? अच्छा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। Is that done? That's it for the day. Bye, bolo. Bye. Hey, wo, ye le kya? बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट अस करके कुछ तो यूज़ कर रहे हैं, मर्ज सेंटर ऐसा। मेरे हिसाब से इनिशियली 1-2 करोड़। एक मिनट रुक यार, तारीख क्या आ रहा है आज? 20 है ना? किस 22? अकाउंट्स प्लस क्या पढ़ने का था अपने को? लॉ। तो डेली क्लास के रिवीजन के साथ साथ ये अपने को करना है। समझ में आ रहा है?
यहाँ पे तो अपन ने बताया था ना वन 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 एंड हाफ या टू जैसा भी अपने को सबका टाइम मिलता है. खत्म ठीक है यहाँ पे लिखना अगर नहीं खत्म हुआ तो. जैसे इसका कुछ पेंडिंग है तो लिख देना, इसका कुछ पेंडिंग है तो लिख देना, ताकि वो इस दिन हाँ कुछ भी तो इसका कुछ है वो यहाँ आ जाए. और ये सिर्फ एक वीक के बाद कट कॉपी पेस्ट नीचे, उसके बाद और नीचे, उसके बाद और नीचे चलाते रहना. मैं ये उठा करके मेरे को भी भेज, मैं ग्रुप पे भेजता हूँ. बाद में भेज देना, रात में भेज देना, मैं कर देता हूँ.